आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं और आसानी से एयरटेल पेमेंट में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा फ्रेंड कि एयरटेल पेमेंट बैंक का आप मोबाइल बैंकिंग कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और एयरटेल पे को आप आसानी से कैसे यूज कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करने के बाद कौन कौन सी सर्विस मिलती है जिसमें आप यूज कर सकते हैं और उसमें काफ़ी सारे ऑफर्स भी चलते रहते हैं फ्रेंड, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फिर एयरटेल पेमेंट बैंक में आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा फिर एयरटेल पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल बैंकिंग का लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको अपना ऐसे मोबाइल नंबर देना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी डाल के लॉग नेक्स्ट करेंगे फिर आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा, जहाँ से आपको वेलकम अनबोर्ड आपको नाम डालना है। फुल नाम डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऐसे अपनी लैंग्वेज को चूज करना है, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस प्रकार आपको आ जाएगा एंजॉय 40 रुपये कैशबैक फर्स्ट UPI ट्रांजेक्शन। आपको यहाँ से सिंपली रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर आपको सिम बोला जाएगा, आप किस सिम से इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, एयरटेल या फिर जियो, जो भी रहेगा आप इसे कन्फ्यूजन से करके सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से फिर जैसे सिम चूज करेंगे आपके नंबर को वेरीफाई करेगा, यहाँ से फाइंडिंग बैंक डिटेल आपको करेगा, यहाँ से आपका यहाँ से SMS वेरीफिकेशन होगा, फिर आपका मोबाइल वेरीफिकेशन होगा। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद लिंक बैंक अकाउंट पर सिंपली आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा, जहाँ से देख सकते हैं आपका यहाँ से UPI सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। नीचे डन पे आपको क्लिक करना है। जैसे फिर डन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एयरटेल थैंक्स है वो प्रिपेयर होगा। फिर आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से देख सकते हैं एयरटेल पे आपके सामने आ गया है। यहाँ से आप सर्विस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जितनी भी सर्विसेज रहेंगी सभी सर्विसेज को यहाँ से देख सकते हैं, जिनमें आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज करके फिर आप यहाँ से 4% तक का कमीशन अर्न कर सकते हैं। इसके बाद यहीं से देख सकते हैं एयरटेल बैकअप मिल जाता है और एयरटेल यहाँ से पोस्टपेड है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। यहाँ से फिर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है सेकेंड एयरटेल पे का, आपको सिंपली एयरटेल पे पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से फिर आप देख सकते हैं और चीज़ें, मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, QR कोड करके स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यहीं से आपको 40 रुपये तक का फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कैशबैक भी मिल जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ से मोबाइल का प्रीपेड पोस्टपेड DDS रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बुक सिलेंडर कर सकते हैं, फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ जितने भी आपके फ़ोन में काफ़ी सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, जैसे आप 50% तक का अर्न कर सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करके। साथ ही साथ आप यहाँ से 50 रुपये तक का यहाँ से अप टू 40 रुपये तक का ट्रांजेक्शन करके यहाँ से कमीशन अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्लैट 20% तक यहाँ से 20 रुपये तक आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। यहीं से नीचे आएंगे तो पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, आपका पेमेंट सेटिंग मिल जाएगा और गेट हेल्प का भी ऑप्शन मिल जाता है। जिस प्रकार फिर एयरटेल पे में इतनी सर्विस मिल जाती है, आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्विस पे क्लिक करेंगे फिर तो यहाँ से और भी जितनी सभी सर्विसेज रहती हैं आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती हैं, जिनमें स्विच एयरटेल है, एयरटेल थैंक्स ऐप में जा सकते हैं, इसमें भी आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, 4% तक का अर्न कर सकते हैं, और सेफ पे को यहाँ से अगर आप इनेबल करना चाहे तो यहाँ से सेफ पे भी इनेबल कर सकते हैं। सेफ पे इनेबल करने का कारण यह फ्रेंड कि जब भी आप कभी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे अपना UPI पिन डालते हैं और तब आपको पता चलता है फ्रेंड कि आप किसी कारण बस ये गलत ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन को आप रोक नहीं पाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जैसे आप सेफ पे इनेबल कर देंगे, आप UPI पिन डालने के बावजूद भी एक बार आपके पास कंफर्मेशन पॉपअप आएगा कि आप इसे आप पेमेंट करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो ये बहुत अच्छा है, आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आपको काफ़ी सारे ऑफर्स देखने को मिलते हैं,
जहाँ फ्रेंड इन सभी ऑफर्स का यूज करके एयरटेल थैंक्स ऐप से आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड एयरटेल थैंक्स ऐप से आप कितने प्रकार से पैसे कमा सकते हैं, इस टॉपिक पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल में अपलोड कर दिया हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और फिर अगर आपको यहाँ से एयरटेल अपने पैसे या किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है, फिर बैलेंस चेक करना है, आपको यहाँ से एयरटेल पेमेंट बैंक चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ से UPI ID नहीं पता, आपने 4 डिजिट का पिन क्या क्रिएट किया है, तो फॉरगेट MPIN का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के नेक्स्ट करना है। जैसे फिर आप अपना पिन डालेंगे, इसके बाद अगर आपको पिन फॉरगेट कर सकते हैं, फिर नहीं फॉरगेट करना, आप यहाँ से अपने पिन डाल देना है। फिर यहाँ से फिर रीसेट पिन पे क्लिक करना है, तो आप रीसेट MPIN पे क्लिक करेंगे। जैसे रीसेट MPIN क्लिक करेंगे, फिर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपनी पिन को यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। और यहीं से फिर अगर आप किसी को सेंड मनी करना चाहे तो सेंड मनी कर सकते हैं। सेंड मनी करने के लिए फिर आपको सिंपली सिंपली आप यहां से आएंगे, मोबाइल नंबर डाल के भी सेंड मनी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बैंक से डाल से बैंक में कर सकते हैं। फिर खेत शुल्क खेत करना चाहे तो खुद के लिए उसके भी कर सकते हैं। हम यहां से फिर UPI ID डाल के यहां ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, तो अपना UPI ID डाल के वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं आपकी UPI ID डाल के जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा। यहाँ से आपको अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद फिर पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे फिर आप यहां से पे नाउ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको अपना ऐसे रिटेलर का MPIN डालना है। रिटेलर MPIN डालने के बाद फिर यहां से MPIN रिसेट करने के लिए बोलेगा, तो यहां से आपको रिसेट कर लेना है। फिर इस तरीके से फिर आप यहां से पैसे सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार फिर आप यहाँ से एयरटेल मोबाइल बैंकिंग आप एक्टिवेट कर सकते हैं और इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें। इसके अलावा आपको मन में कोई भी सवाल रहेगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जाके फॉलो करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक के उसे ऑल पर जरूर क्लिक करें। इस तरीके से मैं इंटरेस्टिंग वीडियो जल्द मिलूँ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।